हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बंडा शाहजहांपुर खेत पर फसल की रखवाली कर रहे एक श्रमिक पर रविवार सुबह 9 बजे बाघ ने हमला कर दिया। यह देख श्रमिक के साथ उधर मौजूद कुत्ते ने बाघ पर हमला कर दिया। उधर श्रमिक के शोर मचाने पर बाघ गन्ने के खेत और जाकर छिप गया। गांव पिपरिया दुलई निवासी 50 वर्षीय मोतीलाल गांव गलुया के हरपाल सिंह के यहां नौकरी करता है। इन दिनों वह गांव से कुछ दूर खनकोट नदी के जगू घाट के पास हरपाल सिंह के गन्ने के खेत पर रखवाली करता है। रविवार सुबह करीब 9 बजे मोतीलाल गन्ने की खेत की मेड़ पर बैठा था। अचानक गन्ने से निकले बाघ ने उस पर हमला कर दिया। सिर पर बाघ का पंजा लगने से मोतीलाल खेत और गिर पड़ा। बाघ दूसरा झपट्टा मारता कि इससे पहले ही मोतीलाल के साथ खेत पर मौजूद कुत्ते ने बाघ पर हमला कर दिया। मोतीलाल ने भी शोर मचा दिया। इस पर बाघ वापस गन्ने के खेत और चला गया। कुत्ते के भौंकने और मोतीलाल के शोर मचाने पर आसपास के खेतों और काम कर रहे लोग शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे और हरपाल सिंह को सूचना दी। हरपाल सिंह ने मोतीलाल को एक निजी डॉक्टर के यहाँ भिजवाया। उसकी हालत ठीक है। सूचना पर मौके पर वन दरोगा संजीव कुमार, फॉरेस्ट गार्ड राम प्रसाद, वन वाचर मोरपाल चंद्रपाल मौके पर पहुंचे और गांव के लोगों के साथ शोर शराबा कर बाघ को गन्ने से खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वन दरोगा ने लोगों को खेत पर समूह और जाने और समय रात खेत पर काम करने के लिए नहीं जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सुबह पानी दी भी खेत पर न आए और काम करने के दौरान तुमस और बातचीत करते रहे। बच्चों को सुनसान रास्तों पर अकेले स्कूल ना भेजें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।